तो यहाँ पे भी लड़ाई हो गया चेन्नई और कोलकाता के बीच में। अरे यार थोड़ा सा के लिए माहौल इल्लो गर्म कर देता है, बताओ। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंचे हैं गोल्फ ग्राउंड। हमारे बीच में अमन है जो मुंबई से आया है आज, लड़का। वो भी फैन पार्क का मजा लूटने के लिए इतने दूर से आए भाई। फैन पार्क मतलब आप समझ सकते होंगे कि यहाँ पे गोल्फ ग्राउंड में आईपीएल का मैच लगा पड़ा है इधर, ठीक है। इधर का भीड़ देखो कैसा है। तो अभी जाएंगे फैन पार्क के अंदर, एंटर करेंगे हम लोग, और सभी को टिकट लेना पड़ता है क्या? चेकिंग हो रहा है, ये जरूरी भी है सेफ्टी के लिए, है ना जी। ये रिबन है भाई, आज तेरा मैच है डालने से पहले वो भाई। मेरी आरसीबी का मैच है भाई, मेरा तो सीएसके है। मेरे को आज कोलकाता जाना था ईडन गार्डन, बट वहाँ का टिकट मिला नहीं, उसकी वजह से मैं वहाँ पे जा नहीं पाया। सिट डाउन ऑल ऑफ यू। दादाजी बैठिए ना। दादाजी इधर कहाँ है? इधर दादाजी कहाँ है? भैया हम मिल गए, हमारे सब्सक्राइबर है। आज आईपीएल और आईपीएल का मजा यहाँ पे सभी को लेने आए हैं, ठीक है। हमारे बीच में बहुत सारे सदस्य, देखो आशू हमारे दोस्त भी मिल गया। काफी प्राउड है यहाँ पे, लेकिन रात में रुक रहे हैं बाबू को लेके आएंगे। ओ भाई साहब, सीएसके का फैन, आरसीबी का फैन, सीएसके आरसीबी दोनों का बहुत बड़ा वाला बिग फैन है। हमारा तो टिकट ही नहीं मिला ईडन गार्डन का। अरे हाँ भाई, और जाएगा शॉट जाएगा, ये भाई ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया? अल्लाह बोल बोल बोल, अल्लाह बोल अल्लाह बोल। देख 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 देख, गजब मारा रे। ओ भाई साहब, रात में ये जो मैच होगा ना भाई साहब, और भगवान जी बारिश भी बरसा रहे हैं अभी। ये देखो सब जाने को लगा, अभी सब चला जाएगा लग रहा है बारिश के वजह से पूरा माहौल खराब हो गया। यहाँ पे छोटा छोटा टेंट लगा हुआ है, उसकी वजह से सभी को भाई लोग यहाँ पे खड़े हैं। उधर उधर भी है, चारों साइड में छोटा छोटा टेंट लगा हुआ है, उधर भी देख सकते हैं। अब बारिश ये सब कुछ खराब कर दिया। देखो अभी तुरंत मतलब व्यूअर देख रहे हैं कितना व्यूअर है चारों साइड में। ये जो छोटा सा जो स्टेडियम है उसके जितने ऊपर में सभी को एकदम व्यूअर देख सकते हैं, कितने सारे लोग। बारिश जो कर दिया ना वो बिल्कुल खराब कर दिया। चलो रात में सीएसके का मैच में मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों हुआ क्या ना कि बारिश होने लगा, तो उसकी वजह से घर चले गए थे, और अभी सीएसके का मैच है तो उसका मैच तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं फैन क्लब गोल्फ ग्राउंड में जो लगा हुआ है, वहीं पे मैच देखने के लिए सीएसके का। मेरे को लग रहा है कि सीएसके पहले बैटिंग कर चुका होगा, तो जो भी बैटिंग करेंगे अभी उसका बैटिंग हम लोग देखेंगे अभी जा करके। ये मैं ब्लॉग कर रहा हूँ बाइक से, ऐसा नहीं है कि हाथ छोड़ के कर रहा हूँ। रितेश बाइक तो ड्राइविंग कर रहा है, मैं सामने एज अ बच्चा को कैसे सामने बैठा करके चलते हैं उसी तरह ये मेरे को बैठा लिया, बाकी दोनों हाथ से ये कवर कर रहा है अपना बाइक को, ठीक है। ईडन गार्डन फेल हो जाएगा ये सही में, आज का जो मैच हो रहा है ना। ओ भाई साहब गजब बने की रही है। तो फैन पार्क फाइनली पहुंच गए हैं, और ये भीड़ देखिए कैसा है। उस टाइम बारिश के वजह से मैं घर चला गया था, क्योंकि बारिश हो रहा था और काफ़ी भींग गए थे हम लोग सभी कोई, जितने अमन आया था उस टाइम, लेकिन अभी आया है रितेश, और हम लोग काफ़ी लेट आए हैं। फर्स्ट इनिंग हो चुका है, उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं करीब, अभी 9:30 बज रहा है ना रितेश, 9:30 बज रहा है अभी, और 9:46 हो रहा है। तो फर्स्ट इनिंग खत्म हो चुका है, सेकंड इनिंग में हम लोग आए हैं, और तो दोस्तों सीएसके बैटिंग कर चुका है, 236 का टारगेट दिया। मैं तो मिस कर दिया सीएसके का बैटिंग देखने के लिए, क्योंकि सीएसके का बैटिंग देखने के लिए मेरे को आज जाना था कोलकाता ईडन गार्डन मैच देखने, लेकिन टिकट नहीं मिला उसकी वजह से नहीं जा पाया। माही आ गया भाई, माही आ गया, माही
ईडन गार्डन नहीं है तो क्या हुआ, ये फैन पार्क एक ऐसा मज़ा दे दिया, ये एक ऐसा वेव बना दिया कि ईडन गार्डन भी यहाँ पे फेल हो गया, ये धनबाद में। और ईडन गार्डन का जो टीवी स्क्रीन है उसमें भी ये फैन पार्क का दिखा हम लोगों को व्यू। अच्छे से देखो, भाई बैट टच है क्या? आउट हो जाओ भाई, आउट हो जाओ, आउट हो जाओ। आउट कर दो यार, आउट कर दो। बैट टच तो नहीं लग रहा, लेकिन जुनून होना चाहिए तो ये अंकल के जैसा। ए भाई साहब आप बीच में क्यों आ गए? भाई देखो, दो सपोर्टर जब होते हैं ना अलग अलग तो लड़ाई होना तय है, तो यहाँ पे भी लड़ाई हो गया चेन्नई और कोलकाता के बीच में। भाई मार हो गया, मार हो गया भाई मार। चलो दिखाते हैं, चलो चलो यार, ऐसे लड़ाई नहीं होना चाहिए यार। कैसे हो गया बताओ, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अरे यार, थोड़ा सा के लिए माहौल किलो गर्म कर देता है, बताओ। ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना था ना। अभी कितने मस्त मैच देख रहे हम लोग, आनंद ले रहे मैच का, क्या भैया? ठीक बोले ना? होता है भाई, देख देख अभी हो रहा है। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि काफी टाइम हो गया है और मैच खत्म हुआ नहीं है, तो टाइम से घर पहुँच जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से हमारा घर 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में है और यहाँ पे थोड़ा लड़ाई हो गया था। तो जितने भी बाउंसर भैया लोग थे सब मेरे को जानते हैं, क्योंकि मनोज देख का जो शादी का रिसेप्शन हुआ था उस रिसेप्शन में मैं भी गया था, इनवाइटेड था, और वहाँ पे सभी कोई आए हुए थे, वो सारा सॉल्व करवाएं। क्राउड हो रहा था ना कि चिल्ला चिल्ला के गला में थोड़ा बैठ गया, गला दर्द देने लगा। और अभी फिलहाल चलते हैं अपने घर, उसके बाद मैं आपको कुछ बताता हूँ, मतलब कुछ दिखाता हूँ। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं और घर में जा करके कुछ मैं आपको रितेश का दिखाता हूँ, ठीक है? तो फाइनली घर पहुँच गया अभी, और रितेश का वैसा कुछ सरप्राइज नहीं था, मैगी बना रहा है, मैगी बना रहा लड़का मैगी का वो व्यवस्था है। लेकिन इसका जो आज मैगी बन रहा है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का बन रहा है, मतलब अलग लेवल का मैगी बन रहा है ये वाला। उसी की बात है कि CSK जीत चुका है और वो नंबर वन टॉप वन पे आ चुका है, 7 मैच में 5 मैच जीत चुका है वो, और मेरा फेवरेट टीम है तो जीतेगा ही। MS धोनी का तो मेरा ड्रीम है कि मैं उनसे कभी मिलूं, पता नहीं ये ड्रीम पूरा हो पाएगा कि नहीं, लेकिन मिल के रहूँगा, ठीक है। आज मेरा ईडन गार्डन का टिकट नहीं मिल पाया, उसके वजह से मैं वहाँ पे पहुँच नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं, कभी ना कभी जरूर पहुँचूंगा उनके पास में। तो दोस्तों इसी के साथ में ये वीडियो एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।